ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल विल बी फाइन. सो टुडे इन दिस सेशन वी हैड अ गो टू डिस्कशन द ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट. सो विदाउट एनी वेट लेट्स लुक. आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एक गर्ल्स है. ये गर्ल्स के पूरे हिस्से में रेड कलर की और ब्लू कलर की कुछ पाइप जैसे स्ट्रक्चर और कुछ रूट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. और ये सारे पाइप और रूट जैसे स्ट्रक्चर जो हैं आकर के हार्ट से कंबाइन है या एडेड है. तो क्या है ये, क्या है ये पूरा सिस्टम ही क्या है? तो इसके बारे में है इन दिस सेशन वी हैव डिस्कशन. ओके बेटा चलिए. तो ये जो आप देख रहे हैं ये दो अलग अलग प्रकार की पाइपें हैं. टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पाइप. वेयर वन काइंड्स ऑफ द पाइप इट इज़ नॉन एज आर्टरी एंड सेकेंड काइंड्स ऑफ द पाइप इज़ नॉन एज वेन. ओके सो व्हाट एक्चुअली द आर्टरी एंड व्हाट एक्चुअली द वेन्स आर देयर. आर्टरी मीन्स ऐसा पाइप और दोनों ही ब्लड वेसल्स के पार्ट हैं. तो ब्लड वेसल्स के अंतर्गत अपन लोग आर्टरी और वेन्स के बारे में डिस्कशन करते हैं. आर्टरी और वेन्स में आप लोग देखेंगे कि आर्टरी और वेन्स में जो आर्टरी है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कैरी करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस. लेकिन हम वेन्स की बात करें तो वेन्स जो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन ब्लड को कैरी करने की कोशिश करता है फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट एंड कलेक्टेड द ऑल द ऑक्सीजनेटेड ब्लड द ऑल बॉडी पार्ट्स एंड इट्स पुश टूवर्ड्स द हार्ट. नाउ so in this session we had to go and discuss on the transportation in animal and plant. So without any wait let's look. You have learned earlier that all organism needed food. आप हम लोगों ने पढ़ा है समझा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सबको किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा? फूड की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पड़ती है. यहाँ तक किसके लिए? सर्वाइवल के, ज़िंदगी को जीने के लिए. दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दे स्टफ वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी. लेकिन जितने भी ये चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं, लेकिन आपको लगता होगा ये ऑक्सीजन है, वाटर है और फूड मटेरियल है. इन सब के जो है स्मॉल सब्सटेंटेज है हमारे फूड मटेरियल. इन सब स्मॉल सब्सटेंट जो है हमारे बॉडी के हर एक हिस्से में ट्रांसपोर्ट होते हैं. ओके फार्दर एनिमल नीडेड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड. और यहाँ जो है एनिमल जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं वेस्ट मटेरियल को उस पार्ट तक जहाँ से इसको बाहर इजीली रिमूव किया जा सके. हैव यू वंडर हाउ ऑल दिस इन अचीव्ड. आपको क्या इस ये चीज़ जानकर आश्चर्य नहीं होता होगा कि कैसे ये चीज़ प्राप्त होती है, कैसे हमें मिलती है? लुक एट द फिगर नंबर 11.1. आप जो है 11.1 का फिगर नंबर देख पा रहे होंगे. 11.1 में फिगर नंबर में आप देखेंगे नाउ आप उसके बाद देखते हैं. डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स. क्या आपको वहाँ हार्ट और ब्लड वेसल दिखाई दे रहे हैं? यस हार्ट दिखाई दे रहा है. बीचों बीच में देखिए हार्ट दिखाई दे रहा है और ब्लड वेसल्स भी दिखाई दे रहे हैं. एक्चुअली वेन्स और आर्टरी के दोनों के कंबाइन फॉर्म को ही क्या बोला जाता है बेटा? ब्लड वेसल्स बोले जाते हैं. ओके दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंट एंड टुगेदर फ्रॉम अ सर्कुलर सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम. ये जो है फंक्शन करते हैं कैरी करने का, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन है इनका काम है और ये सर्कुलेटरी सिस्टम के हिस्से हैं. फ्रॉम द इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंट इन एनिमल एंड प्लांट. और इस चैप्टर पे अपन लोग डिस्कशन करेंगे कि ये ट्रांसपोर्ट जो है एनिमल और प्लांटों में दोनों में क्या होते हैं. या तो चलिए डिस्कशन करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का. सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन लोग सबसे पहले हिस्से पढ़ते हैं जिसका नाम है ब्लड. तो ब्लड क्या होता है? आपको जब कभी भी जब आप खेल रहे होते हैं तब आपको कहीं चोट लग जाती है क्या? हाँ, तो चोट लगने से क्या निकलता है? कुछ एक लिक्विड टाइप से निकलता है जिसका कलर रेड रहती है, उसी को ब्लड बोला जाता है. चलिए लेकिन हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अराइज होंगे कि जैसे कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, जब हमें चोट लगती है तो ब्लड क्यों निकलता है, ये ऐसे तमाम क्वेश्चन जो आपके माइंड पर उठ रहे होंगे. सो चलिए देखते हैं ब्लड के बारे में जानते हैं. व्हाट हैपन व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी. क्या होता है जब कहीं भी आपके बॉडी के कुछ हिस्से में आपको कट लग जाती है? ब्लड फ्लो आउट, उसके से क्या होती हैं? ब्लड जो है बाहर आने लगती हैं. बट वॉट इज़ अ ब्लड. लेकिन हमारे दिमाग में क्वेश्चन तो उठना चाहिए ना कि एक्चुअली में ब्लड है क्या. ओके
तो इन दिस सेशन हम इतने कंप्लीट करते हैं, इसके नेक्स्ट सेशन पे आगे हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।